क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी करने वाले हैं जिस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ट्रेन नंबर 13108 मैत्री एक्सप्रेस, जो कि वीक में 5 दिन चलती है कोलकाता से ढाका के बीच में, संडे और थर्सडे को छोड़कर। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 7:10 पे कोलकाता रेलवे स्टेशन से निकलती है, जिसे हम लोग चितपुर रेलवे स्टेशन कहते हैं, और आपको इवनिंग में 4:10 पे ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 393 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं लगभग 9 घंटे में सिर्फ 2 हॉल्ट के साथ। वैसे मैत्री एक्सप्रेस में 2 तरह की कोच है, एक है फर्स्ट एसी का कोच और दूसरा है सीसी, मतलब एसी चेयर कार का कोच। तो हम लोग जो है एसी चेयर कार कोच में जर्नी करने वाले हैं। कोच है B2 सीट है, 10 नंबर विंडो साइड। हम लोग इधर क्या होता है इंडिया में, एसी चेयर कार कोच को C1 C2 से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है बांग्लादेश की ट्रेन में B1 B2 हो गया एसी चेयर कार कोच, और फर्स्ट एसी का है A1 A2। वैसे मैत्री एक्सप्रेस जो है वो कोलकाता मतलब चितपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है, और लोकोमोटिव है हावड़ा का WDM3D लोकोमोटिव के साथ मैत्री एक्सप्रेस निकलती है। और यहाँ पे आप देखिए अभी गेट लगा हुआ है, कुछ देर बाद ये गेट को भी खुलेगा, वहाँ पे BSF के जवान हैं अपने। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे भाई साहब लगेज रखने के लिए स्पेस नहीं, पूरा पैक है दोनों साइड। मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे ये है मेरा सीट 10 नंबर विंडो साइड, ये सीट है, और ऊपर देखिए जगह नहीं है, पूरा लगेज मेरा यहाँ रखा हुआ है, बैग यहाँ रखा हुआ है, पूरा पैक। ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है कोलकाता रेलवे स्टेशन, जिसे हम लोग चितपुर रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। और देखिए ट्रेन में आपको जब इंडिया से ट्रेन निकलती है मतलब कोलकाता से, तो पानी का बोतल मिल जाएगा, ये बादाम मिल्क वगैरह मिल जाएगा, फ्रूटी मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं B3 कोच में, सीट था हम लोग का B2 में, लेकिन क्या है ना कि B2 कोच जो है ना पूरी तरह पैक है भाई साहब, एक भी सीट खाली नहीं था। B3 का सीट कुछ खाली था, तो हम अभी आ गए B3 कोच में, सोचे यहाँ से कंटेंट बनाना शायद आसान होगा, बाहर का नज़ारा दिखा सकते हैं। वैसे मेरा सीट था विंडो साइड, लेकिन लेडीज़ बैठी हुई थी तो हमने उन्हें उठाया भी नहीं, बोले चलो कोई बात नहीं। और मेरा जो सीट था ना विंडो साइड, वो विंडो भी उधर का थोड़ा गंदा था, तो बाहर का नज़ारा कुछ दिखता नहीं, इस वजह से हम लोग आ गए B3 कोच में, और यहाँ से शायद बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी जर्नी के दौरान। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं दमदम जंक्शन, चिकन सैंडविच 60 रुपया। तो ये वेज सैंडविच नहीं है आपके पास? अच्छा अच्छा, चाय चाय। भाई अभी फिलहाल हम लोगों ने ले लिया है ये ब्लैक टी, ये देखिए, और ये मुझे पड़ा 10 रुपया, ठीक है। वैसे आपको कॉफ़ी भी मिल जाएगा, वो आपको पड़ेगा 15 का। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं ब्लैक टी कैसा है। और फर्स्ट टाइम हम किसी ट्रेन में ब्लैक टी ट्राई कर रहे हैं। ठीक ठाक है, ओके ओके है, ना ही ज़्यादा मीठा लग रहा है ना ही खट्टा है, सही है। ये आपको पड़ेगा 10 का, अगर आप कॉफ़ी लीजिएगा वो आपको पड़ेगा 15 का। ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा आपको, हमने आपको दिखाई दिया, बर्गर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन हाँ वेज नहीं मिलेगा, सब जो है ना चिकन वाला मिलेगा आपको। मैत्री एक्सप्रेस के एसी चेयर कार कोच का इंटीरियर बिल्कुल हम लोग का जो शताब्दी एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस के एसी चेयर कार कोच होता है ना, सेम वैसा ही है। 3x2 का सीटिंग है, और इधर पर्दा लगा हुआ है, और ऊपर लगेज वगैरह दिया गया है, और जैसे होता है बोतल होल्डर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोतल होल्डर हो गया, मैगजीन सॉकेट हो गया, ये ट्रे हो गया ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह करने के लिए यहाँ दिया गया है। ये देखिए भाई अच्छी तरीके से साफ भी किया हुआ नहीं है, और नीचे ये फुट रेस्ट है, और इधर ये आर्म रेस्ट है। तो भाई लगभग 114 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट गेदे रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट बिफोर। और गेदे जो है ये वेस्ट बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पे पहुँचने का टाइम था इस ट्रेन का सुबह में 9:25, और यहाँ पे BSF के जो भी जवान हैं ट्रेन से डिबोर्ड हो चुके हैं। अब
साइड अगले रेलवे स्टेशन पे बांग्लादेश पुलिस के जो भी जवान होंगे वो आएंगे। वैसे कलकत्ता से गेंद रेलवे स्टेशन तक हर कोच के गेट पे आपको बीएसएफ के जवान देखने को मिल जाएंगे, गेट वगैरह आप खोल नहीं सकते हैं। तो भाई 9:30 पे अपनी ट्रेन गेदे रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और ये देखिए यहाँ पर फिलहाल हम लोग हैं। ये रहा गेदे रेलवे स्टेशन और सामने में बॉर्डर है। अभी फिलहाल नेटवर्क है, ये देखिए जियो का नेटवर्क है अभी फिलहाल। अब देखिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, नेटवर्क अभी कुछ ही देर में चला जाएगा। तो भाई फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, ये रहा बांग्लादेश बॉर्डर। सबसे मज़ेदार बात है कि भाई अभी तक नेटवर्क तो है भाई जियो का। तो भाई ये है दर्शना रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इस ट्रेन का 20 मिनट का होल्ड है क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव को किया जाएगा चेंज और यहाँ से बांग्लादेश का लोकोमोटिव लगेगा। और जो भी स्टाफ आप जो देख रहे हैं वाइट ड्रेस में पानी वगैरह खाना वगैरह यहाँ पर बोर्ड कर रहे हैं, ये सब बांग्लादेश रेलवे के स्टाफ हैं, मतलब लंच वगैरह वही हम लोग को देंगे। साथ ही बांग्लादेश फोर्स ये देखिए ये भी यहाँ से बोर्ड करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अंकल मिले हैं, ये भी पहली बार आप जा रहे हैं ना बांग्लादेश, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वैसे आप प्रॉपर है कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पूना से हैं। तो अभी आप जा रहे हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए। अकेले जा रहे हैं? वो फैमिली भी है। सही है, हम भी फर्स्ट टाइम, अंकल भी फर्स्ट टाइम। तो अभी जो चीज़ भी हो रहा है ना नया हो रहा है बिल्कुल हम लोग के लिए। बाहर अभी देख रहे हैं स्टाफ लोग चढ़ रहे हैं, खाना वगैरह क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एक्साइटमेंट जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आ गए हैं रेलवे के स्टाफ, बांग्लादेश रेलवे के। क्या नाम होता था आपका? ओके ओके। तो अभी ये क्या लंच है? कितने का है ये बॉक्स? 170। ओके, वो चिकन है, क्या क्या होगा इसमें? चिकन बिरयानी। ओके, मुर्गी भात और चिकन बिरयानी। ओके, तो मुर्गी भात कितना? 170 टका। टका की रुपीस? टका। 170 टका और 170 ये आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप मुझे बिरयानी, चिकन बिरयानी वन बॉक्स आप दे दो मुझे। तो आपको यहाँ पे चिकन बिरयानी और मुर्गा भात ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दादा इसका बिल मिलेगा क्या? हाँ, तो इसका बिल आप दे दीजिएगा मुझे। पैसा मैं दे दूँ? अभी दे दूँ? बिल लेके आइएगा तब दे। तो भाई ये रहा 170 टका का, तो मैं हम लोग के पास अभी 500 टका है, तो अभी देते हैं इनको। थैंक यू। ये हो गया 100 टका, 100 300 टका, 330 टका। ओके, तो भाई ये रहा अपना चिकन बिरयानी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स पे शरीफ होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स स्टेशन रोड खुलना। और भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। और साथ ही टिश्यू पेपर दिया गया है, 2 स्पून दिया गया है। तो चले करते हैं इसे अनबॉक्स। ये रहा अपना चिकन बिरयानी जिसमें अंडा दिख रहा है भाई साहब। और ये नींबू है, ये देखिए नींबू, साथ ही ये चिकन का पीस दिया गया है, ये चिकन का पीस है और राइस है। तो चलिए बिल्कुल गर्मा गर्म है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है ये बांग्लादेश का चिकन बिरयानी। वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉन वेज, चिकन बिरयानी
और चिकन चावल मतलब चिकन भात दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने चिकन बिरयानी मंगाया था 170 का पड़ा, और अभी भैया अभी जस्ट आए ये पानी का बोतल लेके, ये आपको चिकन बिरयानी के साथ फ्री मिलता है। वैसे अगर आप लीजिएगा नॉर्मल तो ये 15 रुपीज़ का पड़ेगा, मतलब 15 टका का। ये रहा पानी, आइसलैंड लिखा हुआ है। और वैसे हम लोगों ने रेल नीर ले लिया था कोलकाता रेलवे स्टेशन से ही, ये मुझे पड़ा 15 का, ये भी 15 का। ये है बांग्लादेश रेलवे का पानी, ये है इंडियन रेलवे का अपना रेल नीर। तो चलिए, वैसे खाना जो हम लोगों ने खाया उसका बिल भैया बोले हैं कि बिल भी मिल जाएगा आपको, तो हमने बोला है देखिए लास्ट में शायद बिल मिलेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे अब जब मैं खाना खा रहा था तो उस वक्त एक फॉर्म दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म किधर गया। मैं दर्शना रेलवे स्टेशन के बाद बांग्लादेश रेलवे के स्टाफ आते हैं, वो भी आपका टिकट चेक करते हैं और एक ही एक फॉर्म देते हैं, इसे कहा भी गया है कि इसे फिल करना है और जब हम डिबोर्ड करेंगे ढाका में पहुँचेंगे तब इसे देना है। चलिए इसे फिल करते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, डिपार्चर, एक्सपायरी, वीज़ा नंबर, टाइप ऑफ वीज़ा, एड्रेस इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे उसका एड्रेस यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर इन बांग्लादेश, वो तो भाई है ही नहीं। जो भी है इसे फिल करते हैं, फिर फिल करके जाते हैं तो भाई बांग्लादेश में टका चलता है, तो टका आप इंडिया में कन्वर्ट करवा के, इंडियन रुपीज़ को टका में आप कन्वर्ट करवा के जा सकते हैं। तो हमने लगभग 20,000 रुपये को कन्वर्ट करवाया टका में, और 20,000 का वही लगभग 24,000 मुझे मिला, 24,000 टका मिला। तो ये पैसा हमने एक्सचेंज करवा लिया था इंडिया में, क्योंकि तो क्या है कि बांग्लादेश में तो रुपया चलेगा नहीं, तो भाई पहले ही चेंज करवा लिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश लगभग 40,000 से ऊपर ले जाते हैं तो उसके लिए बिल ज़रूरी है भाई, आप जहाँ भी कन्वर्ट करवाइएगा तो बिल उनसे ज़रूर ले लीजिएगा, मतलब भाई हमने 40,000 का एक्सचेंज करवाया उसका बिल होना ज़रूरी है, और हमने तो 20,000 का करवाया तो इसके लिए बिल का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहे तो बिल इसका भी ले सकते हो। हम लोग
बिल आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल। भाई ये रहा अपना लंच का बिल 170 का, चिकन बिरयानी लिखा हुआ है 170 टका। और भाई ये जो भी लिखा हुआ है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे बंगला आता ही नहीं है। और ये जो चिकन बिरयानी मिला था उसमें हाफ लीटर पानी का बोतल इंक्लूड था। अब हम लोग आ चुके हैं मैत्री एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और देखिए वॉशरूम में आते ही सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, ऊपर ये लाइट चल रहा है, और यहाँ देखिए सोप होल्डर में सोप है। अपने इधर क्या होता है, सोप होल्डर तो होता है लेकिन सोप ही नहीं रहता, इधर सोप है। और ये टैप देखिए प्लास्टिक का, इधर टैप है, इधर लिक्विड सोप दिया गया है, इसके अंदर लिक्विड भी है भाई, सही है। और नीचे इस तरह का मग दिया गया है ये, और टॉयलेट पेपर गेट के इस साइड है, देखिए ये गेट है, यहाँ होल्डर टॉयलेट पेपर इधर लगाया गया है, और साथ ही टॉवेल होल्डर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो वॉशरूम का कंडीशन ठीक ठाक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 20 मिनट बिफोर। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 4:10, हम लोग पहुंचे हैं 3:50 पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिर लगेज वगैरह चेकिंग होगा, पता नहीं कस्टम वगैरह भी हो, इमिग्रेशन हो, जो भी हो देखते हैं। और लगभग आधे घंटे का समय लगा इमिग्रेशन कस्टम वगैरह में। और यहाँ आप आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा, पासपोर्ट, वीज़ा, कोविड का सर्टिफिकेट चेक किया गया, फिर से पूछा भी गया कि भाई आप किस रीजन से यहाँ आए हो, क्या पर्पस है यहाँ आने का, आप काम क्या करते हो, ये चीज़ पूछा गया था यहाँ पे। वैसे कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे अगर आप इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं मैत्री एक्सप्रेस में भी, तो सेम प्रोसेस वहाँ भी यही पूछा जाता है कि भाई पर्पस क्या है जाने का, आप क्या काम करते हो। तो हमने बोला कि आई एम कॉन्टेंट क्रिएटर, कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं ढाका। तो चलिए आज की जर्नी को रखते हैं यहीं, मिलते हैं अगले जर्नी में। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी पूरा हुआ, पहला था नेपाल गए थे, दूसरा अभी ढाका आए हैं, और बैक टू बैक अभी बांग्लादेश की कुछ ट्रेनों का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इसी तरह अपने साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।